तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चल पाँच। हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं एक और नया गेम जिसका नाम है गैस स्टेशन फिलिंग। तो ये एक गैस स्टेशन सिमुलेटर की तरह एक गेम है जिसके अंदर हमें गाड़ियों के अंदर तेल डालना है, और यहाँ पे हमारे पास एक छोटा सा दुकान भी है जिसके अंदर सामान भी है और उसे हमें बेचना भी है। और यहाँ पे हमारा पहला कस्टमर भी आ चुका है और इसके गाड़ी के अंदर हमें तेल भरना है। और तो यहाँ पे हमें 19 लीटर भरना है तेल, तो फटाफट से भरते हैं 19 लीटर। 18 लीटर के हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसने हमारा टिप काट लिया भाई, तो सह लेंगे थोड़ा सा। तो अभी ये रहा हमारा गैस हेवन जहाँ के हम मालिक हैं, या फिर अपनी भाषा में कहें तो यहाँ के हम राजा हैं। और राजा काम कर रहा है क्योंकि राजा भी कंगाल है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पेट्रोल भी मंगाना है कुछ, या फिर तेल। पेट्रोल या तेल, पेट्रोल ही बोलते हैं भाई, ये कुछ ज़्यादा आसान है। तो अभी यार हमें दुकान के लिए सामान भी मंगाना है क्योंकि सामान ख़त्म हो गया था। चलो तो यहाँ पे सामान मंगा लिया है हमने, डिलीवरी भी हो चुका है सामान का। और इसके बाद अब क्या करना है, तो इन सभी को बेचेंगे भाई, और क्या करना है तभी तो पैसे मिलेंगे ना। तो यहाँ पे सारा भर चुका है पूरा, और ये सब खाली है क्योंकि ये सब सामान अभी अनलॉक नहीं हुआ है, जब अनलॉक होगा तो उसे भी भर देंगे। और यहाँ पे हमारा टैंकर आ चुका है जो पेट्रोल लेके आया है हमारा, और यहाँ पे भर रहा है, फिलिंग चल रहा है। तो 23 लीटर भरा है हम इसने, अभी काफ़ी ज़्यादा भाग किया है तेल भरना क्योंकि पैसे नहीं है ना उतने। तो यहाँ पे हमारे गैस स्टेशन के पीछे विंड मिल रहा है, और यहाँ पे एक कूड़ेदान है बड़ा वाला, और कूड़ेदान के अंदर एक भी कूड़ा नहीं है लेकिन कूड़ेदान के बाहर बहुत ज़्यादा कूड़ा है। चलो ये भी देख सकते हैं, सह लेंगे इसे भी। और यहाँ पे एक छोटा सा गैराज है जो कि अभी लॉक है, ये शायद बाद में अनलॉक होगा, तो इसे भी देखेंगे बाद में, इससे भी काम लेंगे, इससे पैसे कमाएंगे। और यहाँ पे छोटा सा घर है, लेकिन इससे पहले हमें कस्टमर को देखना है क्योंकि कस्टमर को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराना चाहिए वरना वह भाग जाएगा। भाग गया तो तुम्हारा नुकसान होगा, तो नुकसान मुझे सहना नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसे भर देता हूँ तेल, थोड़ा कम गया लेकिन इसने टिप दे दिया। तू अच्छा बंदा है भाई, तू अच्छा बंदा है। और भाई धड़ा धड़ आने चाह रहे भाई कस्टमर, ये तीसरा कस्टमर आ चुका है। अबे भाई मेरे ऊपर चढ़ाएगा क्या, अबे कहाँ जा रही है, अबे निकल। ओ ओ ओ ओ तो भाई यहाँ पे हमारे पास पार्किंग भी है, मतलब जो बंदे आएंगे हमारे पास मतलब दुकान में, और तो अपनी गाड़ी कहाँ लगाएंगे उसके लिए ये पार्किंग हमारे पास है। तो भाई काफ़ी सही माहौल है, ये जाएंगे और यहाँ पे पेट्रोल भरने के लिए, नहीं, ये भी हमारा दुकान में जाएगा और वहाँ से सामान लेगा। तो सामान कौन देगा, मैं देगा, तो उसके लिए मुझे भी अंदर दुकान में जाना पड़ेगा ना। अबे यार ये कॉल कौन कर रहा है अभी, तो इससे बाद में देखेंगे, सबसे पहले अपने कस्टमर को देखेंगे। तो भाई अबे उधर नहीं, ये कुछ यार उस साइड है दिख नहीं। ओ भाई ले लिया, चलो कोई बात नहीं, कहीं से भी लो, मुझे क्या, मुझे तो पैसा वैसा मतलब है। तो जिसे लाना है यहाँ से, यहाँ यहाँ स्कैन होगा और फिर उसके बाद इस टोकरी में रख देना है। तो भाई आइए, तो इसने बोतल लिया एक, तो इसे उठाते हैं यहाँ से और इसे स्कैन करते हैं और फिर इस टोकरी के अंदर डाल देते हैं। तो भाई अभी ये कस्टमर भी है, तो ओ भाई इतनी जल्दी लेवल 2। तो भाई काफ़ी जोर शोर से काम चल रहा है, और यहाँ पे हमारा धंधा भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, और सारे कस्टमर को मैंने रवाना कर दे रहे। यार यहाँ पे बोतल फेंकना मना है, अब की बार फेंकना तो सर पे ही फोड़ दूंगा तुम्हारे बोतल। तो अभी शायद फ़ोन बंद हो चुका है तो इसे छोड़ते हैं। और यहाँ पे हमारा कस्टमर है भाई, इसका टाइमर भी आधा हो चुका है, तो फटाफट से इसे भरते तेल और इसे भेजते अपने घर। तो इसमें भी थोड़ा कम मैंने, अब एक्यूरेसी बढ़ाना पड़ेगा तभी ये लोग टिप ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो ये रहा हमारा छोटा सा घर, और यहाँ पे कुछ नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास बेड है, सोफ़ा है और टीवी है जहाँ पे हम रात में सो सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, और ये टेलीफोन वो है जहाँ से फ़ोन आता है लेकिन मैं उठाता नहीं हूँ, तो अब की बार उठाएंगे। तो यहाँ पे भाई ये कस्टमर आ चुके हैं, अबे भाई ये दुकान वाला ही ना जो पहले आया था दुकान में। ओ भाई तो यहाँ पे फ़ायदा हो, यही फ़ायदा होता है भाई गैस स्टेशन के सामने अपनी दुकान लगाने का। तो यहाँ पे तो दुकान भी अपना है, गैस स्टेशन भी अपना है,
तो डबल फायदा। और भाई राजा होकर भी यहाँ पे हमें सफाई करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के लोग कस्टमर काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ से यहीं पे खाते यहीं पे गिरा कर जाते हैं। तो अभी हमें सामान भी मंगाना पड़ेगा, क्योंकि सारा सामान तो इन सभी ने खरीद लिया और काफ़ी ज़्यादा सामान अनलॉक नहीं हुआ। तो भाई काफ़ी ज़्यादा महंगा महंगा सामान बेच रही है ये लोग, मुझे लगता है लोन उठा लेना चाहिए। तो नहीं भाई, अभी थोड़ा मेहनत करेंगे, लोन लेना सही नहीं है, क्योंकि अभी कुछ कमाई है नहीं, और लोन ले लिया तो फिर उसे चुकाने में ख़त्म, सारा बिक जाएगा भाई। तो अभी पेट्रोल मंगा लेते कुछ, क्योंकि उसी से मेरा धंधा चल रहा है ज़्यादा। अभी तक 4 कस्टमर आ चुके हैं भाई पेट्रोल वाले, और दुकान पाँचवा आ चुका है ये। तो इसके अंदर भी डालते हैं पेट्रोल। तो ये ले भाई, तुझे 16 लीटर चाहिए, तो 16 लीटर इसके अंदर डाल लेते। ओ भाई 17 लीटर चल गया। अबे $2 टिप दे रहा है भाई, अबे ज़्यादा दे तेरी तो, अबे ज़्यादा डाले यार। चल यार, यही एक्यूरेसी का लफड़ा है, मतलब ज़्यादा डालनी है तो कुछ भी हो सकते हैं, इसलिए कम ही डालो। तो यहाँ पे हमारा टैंकर आ चुका है तेल का, तो ये डालेगा तेल उस टैंकर में, और मैं इसकी गाड़ी में डालूँगा तेल। तो वो भाई यही पहले डालेगा, तो तू डाल ले। और यहाँ पे मैं डालूँगा अब, तो यहाँ से उठाता हूँ नोज़ल और इसकी गाड़ी में लगा कर, और फिर इसे चाहिए 20 लीटर, तो इसके 20 लीटर दे देते हैं, 19 लीटर ही दिया, ये सही है। और टिप भी नहीं दिया, कोई बात नहीं, टिप तू रख अपने पास। तो यहाँ पे एक और गाड़ी आ चुका है, ये कौन सा खटारा कबाड़ लेके आया भाई, ये देखो इसका खोपड़ी भी निकल रहा है उसके छत के बाहर। तो इसे भी भरते हैं 18 लीटर। तो भाई अभी कुछ सही गया, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो गया। चलो यार, तो यहाँ पे हमारे सारे कस्टमर जाग चुके हैं, और यहाँ पे कूड़े भी फैला के जाते हैं, ये कुछ गलत बात है भाई, कूड़ा नहीं फैलाना चाहिए इन लोगों। तो यहाँ पे काफ़ी सारा सामान अभी भी है, तो इसे रहने देते हैं, अभी तो काफ़ी सारा सामान है यहाँ पे। तो अभी चलते हैं बाहर, बाहर देखते हैं कुछ। ओ भाई कस्टमर भी आ चुके हैं भाई, कस्टमर आ गए हमारे, आइए, आपका इंतजार था। तो ये सारे आ चुके हैं, 3 कस्टमर, 3 नहीं, वहाँ पे एक और आया बस वाला, तो इसे सफाई कर देते अपनी शॉप का, क्योंकि दुकान में एक भी कूड़ा कचरा नहीं रहना चाहिए भाई, नहीं तो ये लोग बुरा मान जाएंगे। तो ये सारे अबे आ जाए यार, तीनों दोस्त हैं शायद एक ही कार में हो, तो ये लेके आए बोतल, तो इसे स्कैन करते हैं फटाफट से, और ये रख देते यहाँ पर। तो भाई दूसरा आदमी, अबे उसने लिया तो तू नहीं लेगा क्या, अबे कुछ, ओ भाई आउट ऑफ स्टॉक, मेरे पास ये चीज़ ही नहीं है, इसने भी कुछ नहीं लिया, ये भी नहीं है मेरे पास, और तू तो इसने भी नहीं लिया, अबे भाई सारा सामान ख़त्म हो गया क्या, इसने भी नहीं लिया, अरे भाई पूरा नुकसान हो गया भाई, अरे यार कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो भाई मुझे सब मंगाना पड़ेगा, तो फटाफट से ये दोनों का डिमांड आया था ज़्यादा, तो इससे मंगा लेते कुछ ज़्यादा। ओ भाई पैसे नहीं है उतना, अरे यार दिमाग ख़राब हो गया भाई, भाई इतना पहला ही दिन नुकसान हो गया है इतना ज़्यादा, अरे क्या। तो अभी एक एक मंगा लिए ये दोनों, अभी देखते हैं पेट्रोल जल्दी जल्दी बेचते हैं, और फिर इसके बाद पैसे कमाएंगे कुछ, और उसके बाद ही देखा जाएगा सामान का। तो भाई अभी तो मूड ख़राब हो चुका है पूरा, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो करना लाइक, और ज़्यादा पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।